हेलो माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम इलेवन पॉइंट टेन देख रहे हैं क्वेश्चन में गिवन है व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट यहां पर गिवन है अ बुलेट ऑफ मास जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो के जी ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ वन किलोमीटर पर सेकंड तो यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ का अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेमडा लेमडा इसको हम ए पार्ट यहाँ पर अभी सॉल्व कर रहे हैं है ना और लैमडा डी लिख सकते हैं दैट इज द डी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एम वी ओके एच का वैल्यू यहाँ पर हमको पता है सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू पावर माइनस थर्टी फोर होता है डिवाइडेड बाय अगर एम का वैल्यू देखें तो यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो गिवन है और स्पीड जो है वन किलोमीटर पर सेकेंड और जिसको थाउजेंड मीटर पर सेकेंड हम लिख सकते हैं ओके okay, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर लेमडा का वैल्यू हमारे पास में आएगा टू टू पावर पावर मीटर ओके तो फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पर सॉल्व हुआ बी वाला पार्ट हम देखते हैं बी वाले पार्ट में क्या गिवन है बी वाले पार्ट में गिवन है अ बॉल ऑफ मास जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ज़ीरो के जी मूविंग इथ स्पीड वन मीटर पर सेकेंड फिर से हम यहाँ पर लेमडा डी इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई एम इंटू वी लगाते हैं है ना तो एच का वैल्यू फिर से सिक्स पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टू पावर माइनस थर्टी फोर डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो पॉइंट जीरो सिक्स दे गिवन है इंटू वन है ना इसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगा वो एप्रोक्सीमेट 1.1 10 रे टू पावर माइनस -32 आएगा है ना 1.1 10 रे टू पावर माइनस -32 मीटर होगा तो यहाँ पर हमने बी वाला पार्ट भी सॉल्व किया आ, सी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो सी वाले पार्ट में गिवन है अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.0 10 रे टू पावर -19 केजी ड्रिफ्टिंग विद स्पीड 2.2 मीटर पर सेकेंड है ना तो यहाँ पर फिर से हम वही लेमडा डी इज इक्वल टू एच बाई एम वी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे है ना uh, तो लेमडा एच का वैल्यू 6.63 पॉइंट सिक्स थ्री इंटू टेंडरस टू पावर माइनस थर्टी पुट करेंगे मास का वैल्यू यहाँ पर कितना पुट करेंगे मास है यहाँ पर वन इंटू टेंडर्स टू पावर माइनस नाइन और स्पीड uh, है टू मीटर पर सेकेंड ओके जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में <coughs> यहाँ पर वैल्यू आने वाला है थ्री इंटू टेंड्रस टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर है ना तो हम यहाँ पर लिख देंगे अप्रोक्सीमेट थ्री इंटू टेस्ट टू पावर माइनस ट्वेंटी फाइव मीटर अब यहाँ पर ये यह जो क्वेश्चन है इससे हमको क्या समझ में आता है इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर हम डस्ट uh, पार्टिकल की बात करेंगे हम बॉल की बात करें बुलेट की बात करें जो भले ही बहुत तो स्पीड से मूव कर रहे हैं पर फिर भी उनका वेवलेंथ बहुत ही छोटा आता है मतलब प्रैक्टिकली दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टिकल हैविंग लार्जर साइज जिनका साइज बड़ा होता है ऐसे पार्टिकल के लिए

तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा सो so, ये क्वेश्चन यही हमको बताता है